जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में। जैसा कि आप सभी को पता है, गांधी मैदान में बहुत सारे मेले लगे हुए हैं। इस बीच में एक दिव्यांग मेला लगा है, मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। दिव्य कला मेला ये लगा है गांधी मैदान में, जिसमें 100 से अधिक दिव्यांग उद्यमियों के शिल्प कौशल और उत्पादों से सजा शानदार ये मेला है, जो कि 8 तारीख से लेकर 17 तारीख, मतलब 8 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ पे लगता है। तो चलिए चलकर मैं आपको इस मेले को घुमाता हूँ और लोगों से भी बातें करूँगा, तो चलिए चलते हैं जी। तो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर, मतलब यहाँ पे सूप और मतलब बांस के कोपल से की हुई मतलब कलाकृति है यहाँ पे, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है। और आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने मतलब सारे यहाँ पे स्टॉल सजे हुए हैं, और छोटी छोटी मूर्तियाँ भी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भैंस है, गाय मतलब गाय है, बछड़ा है जो दूध पीते हुए यहाँ पे कितनी सुंदर मतलब दर्शाया गया है। और आप हमारे कैमरे के माध्यम से वहाँ दूर देख सकते हैं, यहाँ पे इसरो भारत के द्वारा जो रॉकेट जो बनी थी वो भी यहाँ पे दिखाई गई है। और आप इधर देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से ये जो बैल और जो भी मतलब एक तरह से बिहार को एक कृषि मतलब किसानों का ही देश कहा जाता है, तो यहाँ पे एक तरह से बैल को भी प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पे लोग काफ़ी मतलब आ रहे हैं और खुद भी फोटो ले रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। तो मैं चलकर लोगों से ही बातें करूँगा कि कहाँ से लोग आए हैं और क्या। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। मेरा दिव्य कला मेला जो ये लगा है, मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। जैसे इस मेला में तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं, विशेष तो रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन आकर के बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मतलब घूम कर कैसा लग रहा है, क्या क्या देखने के लिए आपको मिला? बहुत अच्छा लगा और बहुत अजूबा चीज़ यहाँ देखे जो कभी नहीं देखे थे फिलहाल। जैसे उधर बहुत सारा पेंटिंग बनाया हुआ है और ये सब गाय का तस्वीर बनाया हुआ है ये सब, और आगे तो उधर हम अभी जा नहीं पाए हैं, तो उधर जाएंगे तब देखेंगे क्या है लगा हुआ। तो घूम कर कैसा लग रहा है? बहुत अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है फिलहाल, कह नहीं सकते हैं, यानी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। चलिए तो चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। जी यहाँ पर ये दिव्य कला मेला है, तो यहाँ पे जो दुकान लगाए हैं दिव्यांग लोगों को ही यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए परमिशन दी गई है, तो मैं इनसे ही बातें करूँगा। सर अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद फिरोज। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। जी इस मेला के बारे में थोड़ा कुछ बताइएगा। इस मेले में बस मंदा चल रहा है काम। जी मंदा चल रहा है काम। मंदा क्यों ऐसा चल रहा है? बस कस्टमर आम है, बस लेते नहीं, देख के चले जाते हैं, पब्लिक नहीं जुड़ पा रही है। मतलब जिस लायक भीड़ होनी चाहिए उस लायक भीड़ नहीं हो, नहीं होगी। तो कहाँ कमी रह जा रही है फिर? अब देखेंगे आगे कौन लगेगा, आगे पता लगेगी कि क्या तारीख से दूसरे जगह है। मतलब आज जिस लायक भीड़ होनी चाहिए उस लायक भीड़ नहीं हुई? नहीं है, ऐसी कस्टमर आ नहीं रहे ना, दुकानदारी इतनी है, बस दो चार पीस बिके बस छुट्टी हो जाए। अच्छा, तो चलिए चलकर यहाँ पे एक और हैं बैठे हुए, मैं इनसे भी बातें करूँगा। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आदिल मलिक है, यूपी बागपत से हूँ मैं। जी इस मेला के बारे में थोड़ा कुछ बताइएगा। इस मेला में पहली बार आया हूँ आपके, और जैसा मेला लगना चाहिए ऐसा मेले में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे 3-4 पीस बिकते हैं तो क्या फ़ायदा इतनी दूर आकर भी, बस यही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ मतलब कमी रह जा रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ जितना भीड़ लगना चाहिए उतना भीड़ नहीं हो पा रही। पता नहीं उसकी कमी क्या है क्या नहीं, नहीं फैसिलिटी भी सब कुछ दिया हुआ है, डिस्काउंट भी है, सब कुछ है, फिर भी लोग ऐसे दूर हटते हैं। उनको वही लगता है कि 800 का माल बताओ, जब जाकर उनको वहाँ पर लाओ, जो रेट टू रेट दे रहे हैं उसमें उनको मज़ा नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ की पब्लिक को डिस्काउंट ज़्यादा चाहिए। हाँ जी डिस्काउंट ज़्यादा चाहिए, उनको चाहिए 50% का डिस्काउंट। जैसे कि 600 की चीज़ है, उसको चाहिए उनको 300 रुपये की चीज़, तो उसमें तो वे राजी हैं। अब यहाँ अगर हम डिस्काउंट के हिसाब से पैसा बताएं, 900 की चीज़ है तो जब 600 में दें उनको जब मजा आए, उनको ऐसा माल चाहिए फ्री का माल। तो जैसे कि आपने सुना यहाँ पर इनका कहना है कि मतलब जिस लायक भीड़ होनी चाहिए उस लायक भीड़ हो नहीं पा रही है, और यहाँ के पब्लिक का थोड़ा सा माइंडसेट है बार्गेनिंग का, लेकिन ये लोग जो है एक तरह से फिक्स रेट रखते हैं, तो जिसमें ज़्यादा बार्गेनिंग होने की आशंका नहीं है। तो चलिए मैं अभी और भी लोगों से बातें करूँगा। यहाँ पर मैं आया हूँ एक दुकानदार जो है, यहाँ पर मैं इनसे भी बातें करूँगा। सर अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद सवाल है। ये दुकान हमारे भाई जियाउल हसन के नाम पर अलर्ट की गई है। ये दिव्यांग हैं, और सरकार चूँकि दिव्यांग लोगों के और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सरकार बहुत ध्यान रखती है, ये सरकार का अपना काम है, सरकार ने अच्छा किया, मेला लगवाया दिव्यांग लोगों के लिए अलग से, जो लोग घर में
अपने परिवार में रह के कुछ बनाते हैं या अपने परिवार वालों का हेल्प करते हैं, तो वो आइटम बेचने के लिए सरकार ने ये मेला लगवाया है। और सर मैं अभी और भी दुकानदार से मतलब बातें कर रहा था, उनका कहने का मतलब जिस हिसाब से यहाँ भीड़ होनी चाहिए उस लायक मतलब भीड़ हो नहीं पा रही है, इसके पीछे कारण क्या है? भीड़ तो अब यहाँ शहर के लोगों का मिजाज कुछ ऐसा होगा कि वो मेला कम पसंद करते होंगे। ये मेरा पहला चांस है यहाँ आने का। और वैसे हमारे और भी साथी जो हैं इस तरीके का काम करने वाले, मेले में दुकान लगाने वाले, उनका ये कहना है कि दिव्यांग मेले में जो लोग भी आते हैं कम ही लोग आते हैं। बाद लोग हमें पब्लिक से ये शिकायत है कि वो नहीं आते ये सोचकर कि उनका एक सोच है, एक मिजाज ये बना हुआ है कि ये बीमारी छुआछूत की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेडिकल लाइन में हूँ, तकरीबन 30 साल से मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हज़ारों लोगों का इलाज करवा चुका हूँ, डॉक्टरों के पास लाना मरीज को। मतलब किस टाइप का छुआछूत वाली बीमारी मतलब लोग सोच रहे हैं? जैसे कोई विकलांग है, ये अपाहिज है, वो क्या कहते हैं, बीमारी होती है एक जिसमें लकवा, तो इसको लोग छुआछूत की बीमारी समझते हैं। तो बाद लोगों की मेंटलिटी ऐसी बनी हुई है कि कहीं हम इनसे ये सामान लेंगे जैसे ये कपड़ा है। अब किसी विकलांग ने किसी ऐसी बीमारी वाले ने छू लिया तो उनका ये सोचना होता है कि ये बीमारी हमको लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत सोच है लोगों की। तो इस वजह से जो है तो ज़्यादातर दुकान पे हेल्पर रहते हैं, जबकि दुकान में एक जैसे दिव्यांग आदमी के लिए दुकान अलर्ट हुई तो एक हेल्पर होता है। तो बाद जगह हमने ऐसा भी देखा है कुछ दुकानों पर कि दोनों जो है तो वैसे बैठे रहते और विकलांग जो है जो दिव्यांग है वो कहीं और बैठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों के अंदर ऐसा एक भावना प्रकट हो चुका है कि मतलब कुछ छुआछूत वाली बीमारी हो सकती है या फिर कुछ भी। हाँ, कुछ ऐसा महसूस किया जा रहा है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, महसूस किया जा रहा है। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना लोग तो यहाँ पे आ रहे हैं और मेला को एक तरह से अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मतलब दुकानदार जिनसे मैंने बातें की उनका कहना है कि जिस लायक भीड़ होनी चाहिए उस लायक भीड़ नहीं हो पा रहा है। वहीं पे दूसरे दुकानदार ने मुझे बताया कि लोगों के अंदर एक ऐसा माइंडसेट पैदा हो चुका है कि छुआछूत वाला बीमारी, जो कि ऐसा होता नहीं है। इनका कहने का मतलब था कि अगर कोई दिव्यांग है अगर किसी कपड़े को या फिर किसी भी चीज़ को छू लेते हैं तो लोग इस चीज़ से डरते हैं कि कहीं उन्हें भी ना हो जाए, तो ये चीज़ ऐसा सोचना है जो चीज़ गलत है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।